ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ सारा कुछ जो कि मिली भुगता किया ही उन्होंने सरपंचा ने किया। इन्हें ट्रैक्टर की रंजिश कड़ी आपदे दी, साडा ट्रैक्टर पलटाया इन्हें, हुण हट हुण हटदा छुट्टी करदा की प्रशासन तो कारवाई की जाए खिलाफ। ये काम तो उन्होंने जाता ही सरपंचा दे, सानू नहीं पता भी वह मुंडे ना दा झगड़ा वा के की हिसाब, ना कभी उन्हें गल की ना कभी सानू सरपंचा ने आके दसिया कि आपस में ये बहसबाजी आ। तो इन्होंने सानू इन्होंने मासा जिनी खबर नहीं पहुँचाई कि ताडे बच्चे नू सट्टा लग गई वा कि मर गया वा, सानू किसी ने आके दसिया वा कि रमन दे सट्टा लगियां वा। असी फटाफट चाबी लभदे फिरदे मोटर दी, सानू चाबी नहीं लभन दई, बाद च ना उस फोन ते फोन कर दिता वा कि वह मुक गया वा। गल जी इन्होंने सीरी हिस्सा करता है बैग लेना सरपंचा ना, ठीक है जी। तो सरपंचा का ना एक नाम मनजिंदर सिंह, दूजे भरा नाम जस, तीजे का नाम गौरी, जोड़ा ये मुंडे ने मारिया का ना जोगनदीप सिंह, ये पिता का ना सरवण सिंह। गल भी जी पहला अगरे झगड़े झुगड़े बहर पैली चो इस तरह हथों पाई हुए आ, बाद च दो तीन दिन बाद वारदात हो गई आ, ये आते तेरे गल पैना मुड़ के तो सरपंच बैठे रोटी खवाद घर बह के रोटी खवाद मगरों के आया उन्हें मार सिर च दातर दूतर मारिया तो वह थान पर रह गया तो आज सारा गवड़ती है। थाने भाजी सवेर दे आ गए साढ़ा साडा पिंड बैठा वेखो वीडियो तीन बना रात दया कोई कार्रवाई नहीं की गई इन्होंने वालों, इन्हें पैसे ले लिया। दूजा नंबर ये साडा कोई बंदा नहीं आया मुंडे नूं फड़ाउण, आप ही मुंडे नूं थाने फड़ा गया, दातर भी आप ही फड़ा गया, साडा मुंडा उत्थे हस्पताल लै गए उत्थे सुट आए जाके। सानूं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, राती भी आए हाँ, राती भी कहिंदे सी वी जाओ सवेरे गलबात करांगे, राती दो मुलाजम गए आ उत्थों लै आंदा इन्ना बंदा फड़ के बैग तों, ठीक आ। उस तों बाद उत्थे कोई कारवाई नहीं हुई, असली मुजरम फड़े जाण ते इह जिहड़ा वा ये भी इनू पता लगे भी ये नाल नाल कौन आ, सानू नहीं पता ये नाल कौन आ। पुलिस सानू यो कह रही आ धक्के मार मार कढ़न रही आ बाहर, ठीक आ। चलो इतों पहला उतों तक धक्के माले आ पुल तक, तो अं फिर जनानियां नाल आईया वा, ठीक है, फिर इतों तक आए हाँ। मंग सानू इंसाफ होना चाहिए वा। उधर दूजे पासे थाना सदर पट्टी दे SHO हरप्रीत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्हें कहा कि दो व्यक्तियों से मामला दर्ज किया गया, एक व्यक्ति को काबू कर लिया गया। हाँ सर, एक जो पिंड सैदपुर विखे जो कतल होया राती की कारण से किस कारण करके आया जी? ये अपना मुंडा रमनजोत सिंह हैगा जी का कतल होया, पुत्र शवेक सिंह का। ये कित अपना सीरी ही उत्ते लागे मनजिंदर सिंह बैग के उत्तों काम करके वापस आ रहा है, जिदी कि जोबनजीत सिंह जी का लागे घर आ, लगतबाजी पहला चलती ही, वो रजिश तहत ही दोवों की लड़ाई हुई है। जोबनजीत को अपना कोई संद ही उन्हें तिखी करारी टाइप संद लोहे का ही उन्हें मारिया, जिदे वजन करके जी मुंडे की रस्ते जाने हस्पताल पहुँच के मौत हो गई। सर किन्ने जाने के मुकदमा दर्ज होया, तो की ना इन्होंने? मुकदमा जोबनजीत सिंह पुत्र सरवण सिंह जिन्हें के मारिया, मनजिंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वो शह के उत्ते कह रहे कि मारिया वा, फादर साहब जो बयान लगा रहा, तो वो दोवे के परचा दर्ज होया जी 300-200। काबू कर दी है। तरन तारन तो कुलदीप सिंह की वनेरा टीवी खास रिपोर्ट।